हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए फिश करी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो आपके लिए हम फिश करी बना रहे हैं। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। मैंने मीडियम साइज़ की 3 प्याज ली है, इसे धो लिया है। 2 हरी मिर्च ली है, इसको पीस कर पेस्ट बना लेंगे। और मैंने खड़े मसाले में 2-3 बड़ी इलायची, 3-4 मैंने हरी इलायची ली है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, 2-3 तेज़पत्ता है, और काली मिर्च मैंने आधा चम्मच लिया है, 2-3 लौंग है। तो इसको हम पीस कर पाउडर बना लेंगे या फिर इसे कूट कर हम डालेंगे और इसे तड़के में डालेंगे। राई मैंने 1 चम्मच लिया है, इसे मैंने पीस कर पाउडर बना लिया है, दरदरा सा पाउडर है, देख सकते हैं। स्वाद के अनुसार हमने नमक लिया है। मैंने खटाई लिया है, आम की खटाई है, इसे मैंने भिगो दिया पहले से ही पानी में। लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैंने 2 चम्मच लिया है क्योंकि मछली में लहसुन अदरक ज़्यादा पड़ता है। धनिया पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मेथी और जीरा का 1-1 चम्मच यूज करेंगे हम। 1 चम्मच धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी लिया है प्याज में पीसने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने फिश लिया है 1 किलो और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको पानी से पहले धोया, उसके बाद आटा लगा के धोया है, गेहूं के आटे से धोया है, रगड़ के साफ करा है और सिलबट्टे पे से रगड़ के साफ किया है। उसके बाद मैंने इसमें नींबू का रस डाला है। नींबू का रस डालने से इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बिल्कुल महक नहीं आता है। तो देख लीजिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फिश में हल्दी डालेंगे। मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाला है इसमें। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि हम ग्रेवी में भी नमक डालेंगे और इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छा से मिक्स हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक हल्दी और मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गैस गर्म होने के लिए गैस पे। तो पहले इसे हम फ्राई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने खड़े मसाले पीस लिए हैं, अच्छे से कूट लिए हैं और अब चलिए हम मछली बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक सरसों का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लिया है, मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और अब हम मछली डालेंगे फ्राई करने के लिए। पहले पहले हम फिश फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिश करी बनाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है तेल में। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इसे फ्राई कर लिया है और इसे निकालेंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है। तो देखिए फ्रेंड, तेल काफ़ी है, तेल डालने की जरूरत नहीं है हमें, इसी तेल में हम बनाएंगे। तो तेज़पत्ता डालेंगे और दालचीनी, मेथी दाना लिया है मैंने और जीरा मैंने लिया है 1/2 चम्मच। मछली में मेथी दाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है मछली खाने में। तो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक डाल देंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने भून लिया है बहुत अच्छे से प्याज लहसुन अदरक को और देखिए तेल बिल्कुल छोड़ दिया है अलग से और बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम कूट लिया है मसाला, इसे डाल देंगे। लाल मिर्च डालेंगे 2 चम्मच, थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, धनिया मैंने डाला है 1.5 चम्मच और अब इसे हम भून लेंगे। खटाई वाला पानी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और मसाला अच्छे से भून लेंगे और पानी डाल के भूनेंगे तो बहुत अच्छे से मसाला हमारा भून जाएगा। सरसों दाना पीस लिया था, पाउडर बनाया था, तो उसे हम 1 चम्मच डाल देंगे। मैंने खटाई भी डाल दिया है और खटाई को भी अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है, देख सकते हैं। अगर आपको खटाई पसंद नहीं है फिश करी में तो आप खटाई बिल्कुल ना डालें, बिना खटाई का भी बना सकते हैं। और इसमें दूध दही का बिल्कुल यूज़ ना करें फ्रेंड्स, बिल्कुल नुकसान करता है दूध दही मछली के साथ। आयुर्वेद में कहा गया है कि मछली खाएं तो दूध दही बिल्कुल ना यूज़ करें, बिल्कुल में हमने दही नहीं डाला इसलिए। और मैंने खटाई डाला है क्योंकि हमारे यहाँ लोग खट्टी मछली खाते हैं। इसमें हम डालेंगे पानी, देखिए मैंने 4 कटोरी पानी डाला इस कटोरी से। ये मैंने पानी डाल दिया है और अच्छे से चलाया, इसे मिक्स कर लिया है पानी और मसाले को अच्छे से। और अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार,
और अब इसे पकने देंगे थोड़ा सा, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने देंगे। ये हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक गई है और अब इसमें अब हम फ्राई फिश को डाल देंगे इस तरीके से ग्रेवी में, आराम से डालेंगे, टूटने ना पाए। इसे अब हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ। थोड़ा सा हम हरी धनिया डाल देंगे ऊपर से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया इसे ग्रेवी के साथ फिश को। तो हमारी फिश करी बनके तैयार हो गई है, अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सर्व कर लिया, हमारी फिश करी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी बनी है। इसे आप भी बनाइए, चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।